सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिशनपुर से हाई स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के लिए मैथ विषय का, मैथ हमारा जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है, थर्ड चैप्टर हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उसको लेकर मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। उसी से संबंधित आपको सारी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वे सब आपको आज प्राप्त होने वाली हैं। तो हम आज दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। क्या होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, सबसे पहले तो उसके बारे में जानेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, हम लोग नाइन्थ में पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, इससे आपको इस दिए हुए टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए और आप बड़ा सरलता से, सरल ढंग से आप इसको समझ लें। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो चर, नाम से प्रतीत होता है दो, मतलब इसमें दो चर होंगे, चर माने चर। अब दो चर और उधर रैखिक शब्द आया, क्या है रैखिक, रैखिक शब्द। देखिए इन शब्दों का ही आपको अगर महत्व मालूम है तो आप इसी से समझ जाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इसी से परिभाषा हमारी क्लियर होती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, और रैखिक का मतलब होता है चर राशि घात कितनी होनी चाहिए, घात कितनी है एक। तो नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कोई बहुपद होता है उसकी घात एक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी तरह से ये समीकरण होते हैं, अगर उसमें एक चर हो तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, दो चर हो तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए बच्चों, शर्त ये होनी चाहिए कि उस समीकरण की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और समीकरण की घात कैसे पहचानते हैं, कोई चर राशि है मान लिया, हमने आपको बताया था जैसे ये देखिए 2x + 3 = 0। अब यहाँ आप देखिए एक्स क्या है हमारा चर, ठीक है, बाकी हमारी ये दो तीन राशियाँ क्या है, चर है, एक समीकरण है हमारा, ये क्या है एक समीकरण है, और इस समीकरण को हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, तो क्या कहेंगे हम लोग, एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन हम सभी को किसका अध्ययन करना है, क्या पढ़ना है, हम सभी को पढ़ना है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसीलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है दो चर होंगे, जैसे हम कोई उदाहरण लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हमने 2x + हम लोगों ने लिख लिया 2x + 3 = 4। अब देखिए यहाँ पर एक चर क्या है एक्स है, दूसरा चर क्या है वाई, दूसरा चर हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दूसरा चर वाई है, ठीक है, तो ये भी चर है। अब बाकी सभी राशियाँ देखिए 3, 2, 3, 4 ये सब क्या है अचर है। और सबसे खास पहचानने वाली क्या बात है, सबसे ये पहचानने वाली बात है कि सभी जो छुट्टी चर राशियाँ हैं उनकी सबकी घात कितनी है, देखिए एक घात, ठीक है, इस चर राशि की घात देखिए कितनी है एक घात, ठीक है। तो इस तरह का समीकरण जिसमें दो चर हों, दो चर राशियाँ हों
और चर राशियों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होती है। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हमको दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्ञान हो गया कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अब चूंकि हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर में क्या लिखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, क्या लिखा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो अब युग्म का मतलब हम जानते हैं, युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, क्रिया है। युग्म एक शब्द आया है युग्म, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, कोई जोड़ा है, पेयर है। अब यह जो पेयर होता है, ये जोड़ा होगा, जो पेयर होगा, एक किसका पेयर होता है, चरों का, दो चरों का पेयर होता है, ठीक है। अब चूंकि समीकरण की बात होती है यहाँ पर, तो समीकरण में भी क्या है, दो समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे, दो समीकरण होंगे। समीकरण युग्म की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दो समीकरण होंगे। तो दो समीकरण में हम क्या करेंगे, समीकरण युग्म, सब उसमें शब्द आ रहा है, समीकरण युग्म, क्या लिखा है, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म लिखा है। तो इसका मतलब कितने समीकरण होंगे, दो। युग्म का मतलब कितना होगा, दो समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे, दो। लेकिन वो दोनों समीकरण हमारे कैसे होंगे, रैखिक होंगे, रैखिक समीकरण होंगे, दो चरों वाले होंगे। तो इसीलिए हमारा कुल मिला के पूरा शब्द बन जाता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे हम कोई उदाहरण के लिए लिख देते हैं, हमने लिख दिया 2x + 3y = 4, एक हमने लिख दिया x - y = 2। लिखे समीकरण हमारे दोनों। अब इन दोनों को समीकरण को देख लीजिए, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण हमको प्राप्त होगा, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हम कहेंगे तो ये हमारा युग्म हो गया, दो समीकरणों का एक युग्म हो गया। अर्थात इस युग्म में कितने समीकरण हैं, दो हैं। दोनों कैसे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। और हमको यही पढ़ना था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इन समीकरणों को हल करने की हमारी विधियाँ होती हैं। इन समीकरणों को कई तरीके से हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने की तरह तरह की विधियाँ हैं, उनको हल करेंगे। अब उन विधियों में मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ क्या क्या विधियाँ हैं, क्या क्या कैसे कैसे हम हल करेंगे, किस तरह से। तो इन समीकरणों को हल करने की विधियाँ, हल करने की तो आप देखिए, अब कौन कौन सी विधियां होती हैं, हमने मान लिया। सबसे पहले तो देख लेते हैं, एक तो हल करने की जो विधि है रैखिक समीकरणों को, वह क्या है, आलेखीय विधि। आलेखीय इसको हम बोलेंगे, आलेखीय विधि क्या है, जो पहली जो विधि हमारी हल करने की, समीकरण को हल करने के लिए कौन सी विधि, आलेखीय। दूसरी विधि हम देखें समीकरण को हल करने की, दूसरी विधि हमारी है विलोपन। तो क्या कहेंगे, विलोपन, ठीक है। तीसरी विधि हमारी, इसको हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, ये हल करने की हमारी प्रतिस्थापन विधि होगी। चौथी विधि जो हमारी है समीकरण को हल करने की, ये वह कहलाती है वज्रगुणन विधि। कौन सी विधि कहलाती है, वज्र गुणन विधि, वज्रगुणन विधि हो गई। अब इन विधियों से हम क्या करेंगे, दिए हुए रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। लेकिन हल करने से पहले हमको कई प्रतिबंध, कई नियम के पहले से हमको सीखने होंगे, पहचानने होंगे। क्योंकि कुछ रैखिक समीकरण होते हैं
उन रैखिक समीकरणों में अलग अलग कंडीशन होती हैं कि वह समीकरण कब हल होगा, उस समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं, कब उसको किस तरह से हम उसको हल होंगे या नहीं होंगे। तो उन प्रतिबंधों को पहले आपको समझाते हैं, उन प्रतिबंधों को आप पहले समझ लीजिए, जिससे आपको एक विधियाँ लगाने में और उनको हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आप आसानी से उन समीकरणों को हल कर सकते हैं। समीकरण का हल नहीं है, समीकरण हल नहीं हो सकता और हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं तो भी हमको वो समीकरण हल हमसे नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, उन प्रतिबंधों को पढ़ेंगे, उन जिससे इन विधियों को लगाने में सबसे ज़्यादा हमको आसानी हो और हम आसानी से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने में सफल हो। तो सबसे पहले क्रम से क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, तो उन्हीं प्रतिबंधों को पहले आप समझ लीजिए क्या होते हैं प्रतिबंध। पहला तो प्रतिबंध हमारा सबसे पहले तो रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म को युग्म बना हुआ युग्म को हल करने के प्रतिबंध क्या होते हैं। प्रतिबंध उदाहरण के लिए हमने मान लिया हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है, दो रैखिक समीकरण हमने मान लिए, जैसे हमने मान लिया एक ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एक समीकरण, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या क्या इन प्रतिबंध लग सकते हैं। तो पहला प्रतिबंध अगर हम देखें, यदि हमने इसका मान निकाला मान लिया, हमने समीकरण का कोई सा मान निकाला, ए बी सी के जो मान दे रहे हैं हमने मान लिया बोले प्रतिबंध नंबर एक, जैसे हमने ए वन बटे ए टू का मान निकाला और बी वन बटे बी टू का मान निकाला, देखा ये दोनों मान हमारे कैसे हैं बराबर नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं। जब इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब जो समीकरण हमारा जो समीकरण युग्म दे रखा होगा यह समीकरण युग्म में इसके जो हल होंगे उनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल का मतलब क्या है, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, अनूठा, इकलौता एक, मतलब समीकरण का हल कैसा होगा, एक ही समीकरण का हल होगा। और साथ साथ अगर हमने इस तरह से सरल रेखाएं ही नहीं होती हमारी रेखाओं का, अगर एक दो चरों वाला कोई रैखिक समीकरण है एक घात में है ठीक है, तो वह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, क्या उसको किसको प्रदर्शित करेगा, वो सरल रेखा को दिखाएगा, सरल रेखा को दर्शाएगा। अब इसका हम ग्राफ कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमारी एक सरल रेखा, इस तरह से भी हम आपको समझा दें ठीक, इसको हम एक्स अक्ष मान के दिखा दें, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हम इसको वाई अक्ष दिखा दें, हमारा वाई अक्ष हो गया ठीक। मान लिया दोनों रेखाएं, एक रेखा इस तरह जा रही है ठीक है, एक रेखा हमारी ऐसे जा रही है, तो जब काटेंगी एक दूसरे को एक ही बिंदु हमको प्राप्त होगा। दोनों रेखाएं कहाँ काटेंगी, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। इसलिए हम कह देते हैं इस कंडीशन में कब, जब ए वन बटे ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू, तो इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है अद्वितीय होता है। और क्या होता है, इस समीकरण जब इस तरह की कंडीशन हमको प्राप्त होती है तो हम कह देते हैं समीकरण निकाय, हमारा पूरा दोनों समीकरणों को मिलाकर एक समीकरण युग्म कहलाता है, इसको हम समीकरण निकाय भी बोल देते हैं।
तो पूरा समीकरण निकाय जो होता है वह समीकरण निकाय हमारा कैसा होगा, हम कहेंगे संगत है। लेकिन हमको हल प्राप्त हो गया तो एक समीकरण निकाय हमारा कैसा हो गया, संगत हो गया। क्या हो गया, संगत कहलाएगा। अब ये तो पहला प्रतिबंध था, हम पढ़ते हैं दूसरे प्रतिबंध की तरफ। दूसरे प्रतिबंध में क्या है इसको समझना है हमको। दूसरे प्रतिबंध में, दूसरे प्रतिबंध में दूसरा, आपने जो दोनों समीकरण रखे उसके a1 अपान a2 की वैल्यू निकाली, b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल ली आपने, और ये दोनों वैल्यू आपको क्या है, इक्वल आ रही है। तो हमारे पास तीसरा क्या बचा है, c1 और c2। तो हमने क्या किया, c1 और c2 की वैल्यू निकाली, ठीक है। क्या हमने निकाला, c1 और c2 की वैल्यू निकाली। तो c1 c2 की जो वैल्यू हमने निकाली और ये इक्वल नहीं आ रही है c1 c2 की वैल्यू, ठीक है। हमने वैल्यू निकाली और इक्वल नहीं आई। अब इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब क्या होगा, इस समीकरण निकाय का जो हल है हल ही नहीं होगा। इस तरह का भी हमको प्रतिबंध प्राप्त हो रहा है तो इस समीकरण निकाय का हल कोई भी हल नहीं है, समीकरण निकाय का हल नहीं है। हम इसको लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई हल क्या है, नहीं, ठीक है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। लेकिन और जो इसको ग्राफ दिखाना चाहें उनका इसको ग्राफ पर दिखाना हमको, क्या कैसा क्या ग्राफ बनेगा। हाँ, ये पहले बता चुके दोनों रेखाएं कैसी होंगी आपकी, दोनों रेखाएं आपकी क्या होंगी, जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दोनों सरल रेखाएं कैसी होंगी इस स्थिति में, समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। अब समांतर रेखाएं कैसी उनको हम दिखा देते हैं। जैसे मान लिया ग्राफ भी आपको बनाकर दिखा दें, yx मान लिया, xx मान लिया, फिर y। तो अब जब आप रेखाओं का ग्राफ ग्राफ उनको दिखाएंगे तो ये कैसी रेखाएं आएंगी आपकी, समांतर आएंगे, अर्थात एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो हमको बिंदु नहीं प्राप्त होगा, बिंदु नहीं प्राप्त होगा तो हमको समीकरण निकाय का हल प्राप्त नहीं होगा। और समीकरण निकाय का जब हल प्राप्त नहीं होगा तो हम कहेंगे इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इस स्थिति में इस पूरे समीकरण निकाय को या पूरे समीकरण युग्म को हम कहेंगे हमारा दिया हुआ समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। कैसा है, असंगत है। तो ये हमारा दिया हुआ समीकरण युग्म हमारा क्या हो गया, असंगत हो गया। अब असंगत हो गया तो हमारा ये समीकरण निकाय पूरा है ये कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है, असंगत होगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रतिबंध की तरफ। तो तीसरे प्रतिबंध की तरफ हम पढ़ेंगे हमारा समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का ये तीसरा प्रतिबंध हम इसको पढ़ेंगे क्या है तीसरा प्रतिबंध हमारा। तीसरे प्रतिबंध को समझ लीजिए, तीसरे प्रतिबंध में हमने क्या किया, a1 इसको जरा सही पढ़ लीजिए आप क्योंकि थोड़ा सा हमने वैल्यू निकाली a1 upon a2, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमने निकाली b1 upon b2, तीसरी हमने निकाली c1 upon c2। तीनों वैल्यू निकाली, क्या देखा, तीनों की वैल्यू जो हमने निकाली उन समीकरणों से, दिए हुए समीकरणों से, तो तीनों में देखने को पाया कि तीनों इक्वल हैं। अब ये तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, इस समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, इस समीकरण निकाय के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब चूंकि अब हल होंगे, हल हो जाएगा, अब वो सत्य है, हल अधिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं,
तो हम ये कहेंगे इस समीकरण निकाय जो पूरा हमारा समीकरण सिस्टम दे रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पूरा जो सिस्टम हमारा है, ठीक है, ये कैसा है हमारा संगत है, क्योंकि हल प्राप्त हो जाएगा। वो भले ही हमको एक से ज़्यादा प्राप्त हो, एक से अधिक प्राप्त हो, लेकिन हमको हल क्या हो रहे हैं, हल हमको प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए समीकरण निकाय जो दिया हुआ है वो कैसा होगा, संगत होगा और इसके अनेक हल होंगे। अब जैसे मान लिया हमको इसको ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ पे दिखाना है हमने, मान लिया एक हमारा वाई एक्स है, एक हमारा एक्स एक्स है, ठीक है, वाई एक्स है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के संपाती होंगी, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, ठीक है, दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, संपाती होंगी, एक दूसरे को ढक लेंगी बिल्कुल। आप बिल्कुल इस लाइन का सिस्टम को बिल्कुल सीधा सीधा खींचना, क्योंकि रेखाएं संपाती होंगी तो दिखेंगे नहीं, नीचे वाली रेखा बिल्कुल ऊपर वाली रेखा बिल्कुल नीचे वाली रेखा को क्या करेगी, ढक लेगी, तो इसका कहलाएगा संपाती है। यहाँ पर समीकरण निकाय कैसा है, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और समीकरण निकाय के हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल हमको प्राप्त होंगे इस कंडीशन में, कब, जब ए वन बटे ए टू इजिकल टू बी वन अपान बी टू इजिकल टू सी वन अपान सी टू, इस कंडीशन में हमको समीकरण निकाय के क्या होंगे, बहुत से हल प्राप्त होंगे। दूसरा अनेक हल हो गया, हाँ अब हल प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत नहीं होगा, संगत नहीं होगा इस कंडीशन में, इस स्थिति में समीकरण निकाय हमको संगत प्राप्त होगा। ये हमारे थे समीकरण निकाय के हल को पहचानने के लिए अनेक तरह के, तीन तरह के प्रतिबंध थे। इन प्रतिबंधों के आधार पर जब आप प्रतिबंध सीख जाएंगे, प्रतिबंध के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, तो प्रतिबंधों को देखकर, प्रतिबंधों को समझकर आप किसी भी समीकरण, जो दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म दे रखा है, पूरा सिस्टम दे रखा है, उससे संबंधित आप बहुत सी जानकारी इस तरह से बता सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लेकर आपको इसी तरह का एक उदाहरण आपको समझाते हैं, क्या है अपना, देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने ले लिया जैसे एक समीकरण युग्म ले लेते, हमने लिख लिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 17। अगला हमने 4x प्लस वाई इक्वल टू हमने कितना ले लिया, 30 ले लिया, ठीक। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो चेंज कर लेंगे, डायरेक्ट करना चाहें तो भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, 17 को उधर ले आए माइनस हो गए, इक्वेशन 1 हो गए, ठीक है। ऐसे ही इस सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड समीकरण को, दूसरे समीकरण को भी हम इसी तरह से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 13 आप 13 इधर ले आओ, ये समीकरण कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। अब उन प्रतिबंधों को हम इसमें लगाकर हम इसको पहचान करेंगे, वास्तव में दिए हुए समीकरण का, निकाय का किस तरह से इसका व्यवहार है, हल होगा नहीं होगा, अनेक हल होंगे, बहुत से हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, एक बिंदु पर प्रक्षेप करेंगे, रेखाएं संपाती होंगी या समांतर होंगी, ये बहुत सी बातें हम कब निकाल पाएंगे, जब हम दिए हुए प्रतिबंध का अध्ययन करेंगे, इस दिए हुए उदाहरण पर हम इसको लगाएंगे तो इसको बता पाएंगे। क्या होता है आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से, हमने क्या किया कि सबसे पहले तो जो हमारी समीकरण युग्म था हम उससे इसकी तुलना कर लेंगे, तो तुलना कर लेंगे जो हमारी इक्वेशन थी क्या, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो थी, ये देखिए पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी हमारी क्या थी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू डी। जब इन दोनों इक्वेशन की जब आपस में इस इक्वेशन की यही हम लिख लेते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू डी, जब हम तुलना कर लेंगे समीकरणों की आपस में, उसको तोड़ लेंगे, तुलना का मतलब
क्या इनमें आसमान है, उनको आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में बराबर ही होती है तुलना। जैसे देखिए इधर x का गुणांक कितना है 2, इधर x का गुणांक है a1, तो हम जानते हैं a1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया, b1 कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, c1 कितना हो गया माइनस का 17 हो गया, और a2 कितना है 4, b2 देखिए यहाँ पर कितना है इसका गुणांक 1 है, ऐसे c2 कितना है इसका गुणांक माइनस का 13 इसका गुणांक है। अब प्रतिबंध पे हम इसको प्रतिबंध की जो कसौटी है, जो प्रतिबंध का हमारा तर्क है, उस पर हम उसको तोल के देख लेंगे, उस पर इसको समझ के देख लेंगे कि वास्तव में प्रतिबंध हमारा क्या कह रहा है, और उस प्रतिबंध के आधार पर दिए हुए समीकरण का क्या नेचर होगा, क्या प्रकृति होगी, हल होंगे या नहीं होंगे या कितने हल होंगे। क्या करते हैं आप, क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया ए वन, ठीक है, हेलो भाई दे रखिए ए वन अपान ए, ठीक वैल्यू निकालेंगे, ए वन की वैल्यू देखिए 2 है और ए 2 वैल्यू कितनी है 4, इनको सरल कर दीजिए 2 एक कम 2 दूनी, तो 1 बटे 2 आ गया। अब हम क्या करें, बी वन और बी टू की वैल्यू निकालिए आप, बी वन बी टू, बी टू की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी है, पहले तो बी वन की देखिए कितनी है माइनस का 3 है और बी टू कितनी है 1 है। अब हमको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं ए वन और ए टू, देखिए आप ए वन अपान ए टू और बी वन अपान बी टू दोनों को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 1/2 आ रहा है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 3 आ रहा है, माइनस के 3 आ रही है, तो हमको अब सी वन अपान सी टू नहीं निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों, पहले ही प्रतिबंध हमारा लग रहा है, फर्स्ट जो हमारा कंडीशन लगाई थी इसको इसके नेचर को पहचानने की, वही प्रतिबंध हमारा इस समीकरण में, ठीक है, इस जो इक्वेशन दे रखी है इसके सिस्टम में वही प्रतिबंध हमारा लग रहा है। क्या हमने देखा कि ए वन जरा चेंज कर लेते हैं, हमने देखा कि ए वन अपान ए टू मतलब ए वन बटे ए टू और बी वन बटे बी टू के दोनों के मान आपस में बराबर नहीं है, तो तीन प्रतिबंध हमने आपको लिखाए थे, उन तीन प्रतिबंधों में पहला प्रतिबंध हमारा है, देख लीजिए ये पहला प्रतिबंध हमारा बन रहा है जो हमने आपको बताया, ये पहला प्रतिबंध बन रहा है। कह सकते हैं इस इक्वेशन में, इस समीकरण निकाय में, इस दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होगा, इस समीकरण निकाय में अनेक हल नहीं मतलब एक हल होगा, कैसा होगा, अंतिम हल होगा, समीकरण निकाय का समीकरण निकाय का अद्वितीय अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक अकेला अद्वितीय हल होगा, कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, कैसा होगा, अद्वितीय, ठीक है, उसका समीकरण निकाय का कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा समीकरण निकाय का, और साथ साथ क्या कहेंगे, साथ साथ हम ये भी कहेंगे इस समीकरण निकाय में जो हमको सरल रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, तो कौन सा मिलेगा प्रतिच्छेद बिंदु, वह हमको मिलेगा कैसा, एक मिलेगा, एक बिंदु पर रेखाएं काटेंगी, रेखाएं कैसे काटेंगी, एक बिंदु, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है पूरा समीकरण निकाय है कैसा होगा, जब हमको हल प्राप्त हो जाता होता है, चाहे वो एक प्राप्त हो, चाहे दो प्राप्त हो, चाहे हमको बहुत से हल प्राप्त हो, इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जो दिया हुआ हमारा जो मान है, दिया हुआ हल है, समीकरण जो है कैसा है, वो तो संगत है, समीकरण निकाय हमारा इस तरह से संगत समीकरण निकाय हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से समीकरणों को हल करने की जो चार विधियाँ हमने आपको बताई हैं, उन विधियों को लगाने से पहले, उन विधियों को समझने से पहले आप समीकरण निकाय का जो समीकरण युग्म जो आप हल करते हो, समीकरण सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हल करेंगे, उनको पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन प्रतिबंधों के आधार पर पहचान कर लेंगे, पहचान लेंगे, और पहचानने के बाद में ही आप कोई सा प्रतिबंध लगाकर उनको उनका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब एक प्रतिबंध भी आपको हम हल करके दिखाते हैं, आपको समझा देते हैं। तो अब हमारे पास जो समीकरण निकाय की जो विधियाँ हैं, जो प्रतिबंध हैं, उसको हम हल करेंगे, वन बाई वन हम लोग हल करेंगे। तो आज के लिए बस इस समय जो
आपका समीकरण निकाय जो था समी दो चरों वाला रही समीकरण जो है आपका हाई स्कूल का, तो वह आपका हमने आज आपको इस तरह से पढ़ाना हमने आपको शुरू कर दिया है। तो सभी आप लोग उस समीकरण निकाय को सही से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग जब उसको ध्यान से देखेंगे तो आप समीकरण निकाय जो द्वितीय चैप्टर आपका है, तृतीय चैप्टर आपका जो हाई स्कूल का है, ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगे। इसके लिए बस इतना ही। नेक्स्ट भी जब भी हम आप क्लास देंगे तो उसमें चारों विधियाँ आपको हल करके दिखाएंगे, समझाएंगे। धन्यवाद।